Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a new drug, that is Rumex Crispus. So Rumex drug is my the most favorite because it's my savior. Just because abhi ye season mein mere paas bahut zyada patients aa rahe hain, wo bhi sare ke sare cough ko leke, theek hai? और उनके मैंने तीन तीन चार चार महीने हो गए, वो कॉफ ठीक नहीं हो रहे. कोई भी एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स उनको सूट नहीं हो रहा है, कोई भी उनको मेडिसिन सूट नहीं कर रहे एंड वैसे पेशेंट्स आ रहे. आई ये पढ़ाने के बाद ना आई डिस्कस वन केस विथ यू गाइस सो दैट यू विल कम टू नो कि ना हाउ दिस रूमेक्स एक्ट्स ऑन इंडिविजुअल या फिर एक्ट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, ठीक है, सॉरी पेशेंट्स. So let's study the Rumex Crispus. Basically it is known as like Rumex only, but yeah, इसका full name है Rumex Crispus. So इसका common name है yellow dock या फिर curled dock. Then Jocelyn is his prover and Polygonaceae is the family of the drug. So this is asked for 5 months and it is very good drug for cough and very good drug for other mucosal symptoms या फिर catarrhal symptoms या फिर respiratory organ पे ये बहुत ज्यादा अच्छे से act करता है, even on the skin. So इसके है ना similarities भी निकाल देना, जैसे कि respiratory पे इसके क्या similarities है और skin पे इसके क्या similarities है. Just don't study the respiratory symptoms but go for the skin symptoms also because it acts very good on skin. I'll let you know that case also today. Okay, let's jump on the clinical part. So clinically it is given for abdominal disorders, aphonia, asthma, bronchitis, catarrh, coryza, cough, coryza, diarrhea, hoarseness, theisis, then rheumatism, skin affections, throat, lung affections, urticaria. So this is given for these many diseases, but I know aphonia, cough, coryza, catarrh, then skin affections and lung affections I have used for these many things. For urticaria also, so I have used for these many diseases for that purpose. बट इन सारे के लिए भी दिया जाता है. सो यू रीड इट फ्रॉम डिफरेंट बुक, लाइक बोरिक से भी पढ़ सकते हो, बट आई जस्ट गो विद द कॉफ सिम्टम्स टुडे एंड द स्किन का एक केस डिस्कस कर लूंगी आपसे. सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है. इसका स्पीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाय एंड ब्रोंकियोल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन, तो यहाँ पे है. तो पैथोजेनेसिस कैसे है, इट डिमिनिशेस द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंक्रीजेस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सेंसिबिलिटी ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रकिया येट डज नॉट पास इनटू द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. मतलब ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टाइसिस नहीं होता है, ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ कॉफ या फिर नेजल सिम्टम्स पे ही लिमिटेड कर देता है पेशेंट को, ज्यादा क्रॉनिक स्टेट में पेशेंट को लेके नहीं जाता. निमोनाइटिस भी बच जाता है इस रेमेडी से, ठीक है, नहीं होता, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होते इफ यू विल ट्रीट द पेशेंट इन अ इनिशियल स्टेज, ठीक है. नाउ इट इज इन अ सोरा बैकग्राउंड है एंड ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस रहता है इन पेशेंट का एंड द पेशेंट इज वेरी चिली, सो इट इज अ चिली रेमेडी. ओके, नाउ लेट्स सी द कॉफ सिम्टम्स. सो इसके पहले, ये कॉफ सिम्टम्स देखने से पहले ना, लिसन टू माई केस. देर वॉज वन लेडी, ओके आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी. एक पेशेंट थे मेरे पास, वो आई थी, लाइक उनको कफ था 3 महीने से एंड शी वॉज कंटिन्यूसली कॉफिंग 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 एंड कॉफिंग, ठीक है. फिर मैंने रूमेक्स 200 दिया, फिर वो शांत हो गए, उनका पैरोक्सिज्म चला गया विद इन 5 मिनट्स, ठीक है. मैंने वाटर डोज दिया, लाइक हाफ कप वाटर में मैंने 200 का 1 ड्रॉप डाला डाइल्यूशन का एंड आई स्टेयर इट एंड गिव इट टू हर. शी ड्रैंक इट सिप बाय सिप एंड विद इन 5 मिनट्स हर कॉफ वॉज गॉन, ठीक है. तो शी टोल्ड मी हर केस, आई टुक हर होल लॉन्ग केस. फिर मैंने उसका केस लेने के बाद मैंने उसको बोला कि है ना कफ ज्यादा होता है मैम, तो शी वॉज लाइक कि मुझे रात में बहुत ज्यादा होता है, वाइल्ड टॉकिंग होता है, फिर जब भी मैं ऐसे सोती हूँ तब ज्यादा होता है एंड उसके बाद बहुत मतलब रेयरली ऐसे होता है कि मैं जैसे हॉल में बैठी हूँ तो कॉफ नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं बेड में जाती हूँ या किचन में जाती हूँ
वैसे मुझे कॉफ होने स्टार्ट हो जाता है, फिर जैसे भी ठंडी हवा लगती है तो मुझे कॉफ स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैं बात करती हूँ ठंडा कुछ खा लेती हूँ मेरे ऐसे थ्रोट में कुछ ना कुछ होता है, इचिंग होता है, फिर पेन होता है, देन कॉफिंग तो कंटिन्यूसली रहता है, रात रात भर में जग के निकालती हूँ ऐसे वैसे, वो कंप्लेन कर दी है। द ओनली रेमेडी वॉज रनिंग ऑन माई इन माई माइंड आफ्टर लिसनिंग टू हर केस इज रूमिक्स, ठीक है। तो और वैसे भी उनको फायदा हो ही गया था मैंने रूमिक्स लेने से, तो फिर मैंने उनके डोज थोड़े रिपीटेशन पे डाल दिए, एंड विद इन ट्रस्ट मी विद इन 4 to 5 days ऑफ 4 doses एवरी डे 1 dose, लाइक मॉर्निंग में 1 dose एंड आई वॉज केप्ट हर इन, मतलब शी वॉज गिवेन SL फॉर रेस्ट ऑफ द वीक। तो उनको ट्रस्ट मी इन 4 doses उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, रूमेक्स वॉज लिटरली अ सेवियर। जिनको 3 साढ़े 3 महीने से कॉफ था, उन्होंने एक्सरे निकाला, उन्होंने IV का जाके एडमिशन भी कराया था, वो भी हो गया, फिर उन्होंने 3 से 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन, बोलो एमॉक्स, सब सब खा लिए थे उन्होंने, गिरिलिंगटस पी लिया था, वो एस्कोरिल जो कफ सिरप है वो पी लिया था, सब कुछ पी लिया था। इवन उन्होंने होम्योपैथी का एक कोइंसा तो भी है ना, एक कफ सिरप आता है उसके 2 से 3 स्पून भी पी लिए थे, लेकिन उनको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, फर्क मिला था लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिला था। बट आफ्टर गिविंग द रूमिक्स, बिकॉज ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स वर मैचिंग विद द रूमिक्स, इट वॉज मतलब इट वॉज हर से मिनिमम मेडिसिन, ठीक है। सो लेट्स सी कफ, पॉजिटिव फैक्टर इज एक्सपोजर टू कोल्ड एयर लाइक शी वॉज हैविंग, देन लोकेशन लोअर लोब ऑफ द लंग्स इज जनरली अफेक्टेड, ऐसे कुछ नहीं हुआ था, बट द सिमिलर मेडिसिन आर नैट्रम सल्फ एंड सिफिलाइनम। अगर मैं उनको नैट्रम सल्फ भी ट्राई करती ना या फिर सोचती ना तो भी कुछ गलत नहीं होता, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग नैट्रम सल्फ हो सकता है, ड्रोसेरा हो सकता है, फिर रूमेक्स हो सकता है, फिर रूटा हो सकता है, बहुत सारे रेमेडीज, नक्स हो सकता है, बहुत सारे बेला हो सकता है, एक्वानाइट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रेमेडीज मेरे दिमाग में ऐसे घूम रहे थे सर्कुलर मोशन में, एंड आई जस्ट पिक अप 1 रूमेक्स एंड शी वॉज ऑल फाइन, एंड शी केम बैक फॉर द फॉलो अप एंड शी वॉज लाइक कि अभी तो सिर्फ 2-3% ही मुझे खांसी आती है, दिन में कभी भी कभीता एक बार आती है या फिर 2-3 दिन में एक बार आती है, बाकी कभी नहीं आती मुझे खांसी। सो शी वॉज लाइक दैट, द टिकलिंग सेंसेशन इन द थ्रोट पीट विथ रॉनेस, सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट डिसेंड्स ऑन स्वलोइंग बट रिटर्न्स इमीडिएटली, मतलब उनको वो भी हो रहा था गले में वो बार बार ऐसे कर रहे थे। Why she was doing that? There was tickling inside. मैंने उनको पूछा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है क्या, क्या हो रहा है, बात नहीं कर पा रहे हो क्या? She was like, नहीं ऐसे ना बार बार गुदगुदी जैसे हो रहा है, बार बार ऐसे कुछ है वहां पे कुछ है, तो इसके ऊपर मुझे ड्रॉसेरा लगा था, लेकिन नहीं, लिसन टू हर केस फुल्ली एंड कंप्लीटली। मैंने उनका ना बहुत बार उनको पूछा, बहुत खुरेद खुरेद के पूछा, तब जाके उन्होंने मुझे ना सारी डिटेल में केस दी, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, इट वॉज नॉट ड्रोसेरा बट इट वॉज रूमेक्स। सो ऐसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कैरेक्टर ऑफ कफ इज ड्राई, देन बहुत ज्यादा फटीग आता है, मतलब खास के ना बहुत ज्यादा वीकनेस भी फाइंड होता, मतलब हो रहा था उनको, होर्सनेस भी था, फिर टिकलिंग सेंसेशन भी थे थ्रोट में, सो ये सब कुछ हो रहा था उनको। देन ड्राई टीजिंग कॉफ प्रिवेंटिंग स्लीप, मतलब ये बहुत हो रहा था, मतलब वो टीचर है उनको रात में जग जग के, वो उन्होंने नाइट्स निकाले और नेक्स्ट डे उन्होंने छुट्टी ली है, दिन भर सोते थे लेकिन रात में उनको प्रॉब्लम, शी वॉज लाइक ना दिन भर को खांसी आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को क्यों आ रहा है, बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग आई एम हैविंग माई स्कूल एंड दिस कॉफ हैपन्स, सो आई वॉज थिंकिंग फॉर आर्सेनिक ऑल्सो, बट देन अगेन मैंने सोचा कि नहीं ऐसे आर्सेनिक के ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ और भी रेमेडी आ सकती है, कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते, तो आई रेड आउट दिस रेमेडी एंड इट वॉज अगेन रिटन ओवर हियर। देन यूजुअली देयर इज नो एक्सपेक्टोरेशन बट समटाइम्स समटाइम्स इन द फर्स्ट स्टेज देयर इज थिन वॉटरी फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन stringy that patient exhaust from his efforts and expectorates the to sputa and aapko ek baat pata hai ye patient ne hi x-ray kiya tha fir inhone CT scan kiya tha fir yahi patient ne sputum zill nansen stain
से मतलब टीबी का टेस्ट भी किया था इन्होंने, स्पूटम एग्जामिनेशन भी करवाया था, फिर भी इनको मतलब नो रिजल्ट वाज पॉजिटिव, ऑल रिजल्ट्स वर नेगेटिव, एंड फिर भी उनको रिलीफ नहीं मिला, सारे एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला. तो ये था उनका कॉफ का सिचुएशन, एंड नाउ इट इज ऑल डन. ठीक है, देन मोडालिटीज, एग्रीवेटेड बाय द एक्सट्रीमली सेंसिटिव कोल्ड एयर, देन इवन चेंजिंग द एयर और रूम बिंग्स ऑन कॉफ. सो आई टोल्ड यू ना कि हॉल में अच्छा लगता है, बेड में और किचन में चले जाने के बाद खांसी आती है, तो दिस वॉज दैट. फ्रॉम स्लाइटेस्ट इनहेलेशन ऑफ द कोल्ड एयर इन द इवनिंग आफ्टर लाइंग डाउन एंड स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, टचिंग प्रेसिंग द थ्रोट पिट एंड लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड. सो दिस वॉज हर एग्रीवेटिंग मोडालिटी विच मैचेस विद द रूम एक्स क्रिस्पिस. नाउ यहाँ पे आई डोंट नो, या स्किन कंप्लेंट्स आर गिवन, बट आई विल जस्ट गिव यू द केस. लाइक मेरा खुद का ही केस है रूमिक्स का. सो आई वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर माई सेल्फ. मुझे ना ऐसे घर में अगर झाड़ू लगाओ या फिर कुछ जाली वगैरह से निकालते ना हम लोग, तो वो अगर कर दे तो मुझे ना बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है स्किन पे. ठीक है, तो वो स्किन एलर्जी हो गई थी. मेरी ओपीडी का थोड़ा क्लीनिंग चालू था, तो वो है ना थोड़ा सा मेरे चेयर पे गिर गया था, एंड दैट मतलब हेल्पर हमारे वो क्लीन करना भूल गए मेरा चेयर, एंड आई सेट लाइक दैट ओनली विदाउट लुकिंग ऑन माई चेयर, एंड दैट इन्फेक्शन हैपन्स एट माई बैक. तो वो है ना शोल्डर रीजन पे मुझे थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन, इचिंग हो रहा था, थोड़ा थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, एंड बहुत इंटेंस इचिंग था. ठीक है, एंड उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा रेडनेस फील हो, और आधे घंटे में वो पूरा मेरा पीट भर गया रेड रेड स्पॉट से, अर्टिकेरिया हो गया था मुझे. एंड उसके बाद जब मैं ना नहाने जाती थी, दैट टाइम वो एग्रीवेट होता था, जब मैं नहा के आती थी दैट टाइम एग्रीवेट होता था, जैसे मैं कपड़े पहनती थी इट वॉज ऑल फाइन, जैसे मैंने कपड़े निकाल के चेंज करने लगती थी दैट वॉज अगेन एग्रीवेटेड, एंड इट वॉज इचिंग सो बैडली लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू. मैं ना लाइक हाफ ऑफ या फिर 1 आवर तक मैंने इच किया और खून निकाला है उसका. ठीक है, और उसके बाद आई रेड, देन आई आस्क्ड माई मैम कि क्या दे सकते क्या नहीं दे सकते. माई मैम टोल्ड कि ना रूमेक्स 200 ले लेना एंड कॉल मी विद इन हाफ एन आवर. आई टुक रूमेक्स 200 का वन डोज, एंड आई वॉज लाइक कि चलो जान दो अभी जो होता है होता है. मैंने स्वेटर पहन लिया एंड आई वेंट आउटसाइड, एंड ट्रस्ट मी जब मैंने वो स्वेटर निकाला, जब मैं घर पे आने के बाद मैं कपड़े चेंज की, देर वॉज नो नॉट अ सिंगल रैश प्रेजेंट एट माई बैक. मतलब इतना क्विकली ये रूमेक्स ने एक्ट किया था वो अर्टिकेरिया के लिए. जस्ट मैम ने ना वो स्किन डिजीजेस मतलब एग्रीवेट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोथ्स, या फिर अनक्लोदिंग या फिर अनड्रेसिंग के बाद एग्रीवेट होने वाले सिम्टम्स, इट वॉज अगेन रूमेक्स. सो दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस आई गॉट इन माई ओन केस. So I'll read it for you. Intense of itching of skin, itching of various parts, especially of the lower extremities, urticaria, modalities after aggravated from cold when undressing. This was the symptom she took. Undressing or uncovering or exposure to the cold air. So this was the symptom in my case. Then aggravated by covering the parts. So ये ऐसे था Rumex crispus. सो दिस कम्स फॉर 5 मार्क्स. मतलब इसके कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स पूछ लेते 5 मार्क्स के लिए. सो इट यू कैन राइट इट डाउन, एज मैंने एक्सप्लेन भी कर लिया अच्छे से. आई होप ये रेमेडी आपको याद में रहेगी, जस्ट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू, आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज, एंड दिस वॉज अ ट्रू बेस्ट एक्सपीरियंस. सो मुझे भी ऐसे लगता है कि आपका भी अगर कुछ एक्सपीरियंस आया हो रूमेक्स के बारे में, देन यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट मी ऑल्सो नो, लेट ऑल ऑफ अस नो. एंड या स्टडी करना अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स और एनी थिंग यू हैव टू आस्क मी, देन यू कैन डायरेक्टली डीएम मी और डायरेक्टली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चंस. सो या आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.